तो दोस्तों स्वागत है आज का आपकी नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर एक्सटेड BS7 के बारे में, जिसे BS6 फेज 2 भी कहा जा रहा है। दोस्तों ये बाइक इंडियन मार्केट में आ चुकी है, तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या अपडेट मिले हैं और आपको क्या क्या फीचर्स इसमें नए देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर आपको वही पुराना 124cc का इंजन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 10.7 BHP की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो अपडेट आपको मेजर देखने को मिलेंगे वो है, इसमें आपको USB पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने फोन को इजिली चार्ज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो कंसोल है वो फुल्ली डिजिटल कर दिया गया है। इसके अंदर आपको फ्यूल स्पीड, रियल टाइम माइलेज के साथ साथ SMS, कॉल और बैटरी का भी नोटिफिकेशन आपको साथ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब आप इसका मोड बटन प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ट्रिप मीटर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके साइड में आप देख सकते हैं आपको न्यूट्रल, साइड इंडिकेटर, लो फ्यूल की लाइट भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस बाइक के अंदर जो मेजर अपडेट किया गया है वो है इसकी हेडलाइट। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट को फुली LED कर दिया गया है और आपको बीच में एक DRL भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अंदर लगता है लुक वाइज में। साथ ही इस बाइक के अंदर आपको इक्वलाइजर ब्रेकिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जो कि इसकी ब्रेकिंग पावर को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देता है। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही छोटे अपडेट में आप देखेंगे जो इसका साइलेंसर है उसे भी हल्का मॉडिफाई किया गया है। दोस्तों पहले जो सुपर स्प्लेंडर थी उसका साइलेंसर थोड़ा मोटा था और इस वाली स्प्लेंडर में आप देख सकते हैं साइलेंसर उसे थोड़ा पतला कर दिया गया है, जिससे बाइक के वजन में थोड़ी कमी आई होगी और इसका पिकअप थोड़ा हाई हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की, जिसके लिए सुपर स्प्लेंडर फेमस है। दोस्तों कंपनी का जो क्लेम है कि ये बाइक आपको 60 से लेकर 65 तक का माइलेज देगी। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, इसकी जो प्राइसिंग ऑन रोड होने वाली है वो है 85,000 से लेकर 95,000 के बीच। दोस्तों स्टेट के हिसाब से ये थोड़ी अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स है जो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेंड BS7 में मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।